2008 से आज तक ऐसा कोई फंक्शन सीएलसी में नहीं रहा जहां मैं उपस्थित नहीं रहा। बिल्कुल सही है। सिर्फ इसलिए कि जब मैं बोस को देखता हूं तो मेरे को इतनी ऊर्जा मिलती है। 2008 से लेके आज तक की पूरी जर्नी आप बता दें एक बार। सबसे पहले जय सीएलसी। क्या बात है, देखो साहब ये जय सीएलसी होती है हमारे यहाँ। ये आत्मिक शब्द है और स्वाभाविक निकलता है क्योंकि इसने जो हमारे परिवार में दिया है एक सूर्य की तरह चमकाया है, ये सब आपकी देन थी। शुरुआत करूं कि सबसे पहले मेरे बड़े वाला बच्चा जो 12th करता है और उसके बाद में एक मेरे सामने धर्म संकट होता है कि मैं उसको कोचिंग कहाँ दिलाऊं। ऐसी स्थिति में केवल मैंने 2006 में एक शिक्षक भर्ती हुई थी जिसमें 30,000 की भर्ती हुई पूरे राजस्थान में, 10,000 शेखावटी ने ले ली। मैंने ऐसा सोचा कि शेखावटी में कुछ अलग से हैं। क्या बात? इस धुन में मैं बस में बैठ के चला गया और उसी दिन संयोग से 10th का रिजल्ट आता है, मुलाराम और गिरधारी राम का रिजल्ट आता है। आपके चैम्बर में बैठे होते हैं, साइड में वो दोनों बैठे रहते हैं और उससे हमारी बात शुरू होती है। आज से ठीक 2008 की बात, 13 साल हो गए। 13 साल में हमने पीछे मुड़कर नहीं देखा और इस इलाके में जितने भी डॉक्टर और IIT निकले हैं इससे पहले यानी 2008 से पहले हम इस शब्द का नाम भी नहीं सुनते थे, जानते भी नहीं। मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूँ, लेक्चरर हूँ, तो अगर मेरे साथ ये है तो सामान्य जो ग्रामीण परिवेश से जितने भी अभिभावक बैठे हैं उनके लिए तो एक बहुत बड़ी पहली थी। मैं वहाँ से निकला, उसके बाद में बड़े बच्चे का सिलेक्शन हुआ। आज मैं शरवण जी आपके साथ ये दावे से कह सकता हूँ, अभी तो आप 21 की गिनती सुना रहे थे, मेरे इन सब लोगों के सामने मैंने एक शर्त रखी हुई है, मैं 51 जब तक सीएलसी से नहीं निकलूंगा तब तक आपका पीछा नहीं छोड़ूंगा। आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं हूं। तो छोड़, मुझे लगता है कर देंगे, 2 साल में कर देंगे बिचौरे। 21 का 51 करूंगा, 51 का एक सीन आएगा यहाँ और आपको वापस बुलाऊंगा और शायद उनको बुला करके मैं 51 का जो सीन लेना चाहता हूँ और उसके बाद में देखता हूँ कि शेखावटी तेज है, मेरा मारवाड़ तेज है। क्या बात है, क्या हम मारवाड़ के लोग हैं, संघर्ष आपसे ज्यादा है। मैं जब हॉस्टलों में जाता हूँ और वहां देखता हूँ और बड़े अच्छे अच्छे वार्डनर है, आज से 13 साल आना जाना। मैं एक बात पूछता हूँ जिस प्रकार आपको पूछता हूँ, वार्डनर को पूछता हूँ, मैंने वार्डनर से पूछा हूँ भाई आपके तो ये ऑल राजस्थान के बच्चे हैं, हरियाणा से भी है, पंजाब से भी है, अदर स्टेट के बच्चे हैं, बताओ सबसे अच्छे बच्चे क्वालिटी में सिंसियर में कौन है? तो वो ये कहते हैं, उनकी एक रीडिंग है, उनका एनालिसिस है, उसमें वो कहते हैं कि शेखावटी वाले तिकड़म में ज्यादा विश्वास करते हैं। वो अलवर वाले कहते हैं हमारे 1 एकड़ जमीन का इतना करोड़ रुपये क्योंकि दिल्ली के नजदीक है, और मारवाड़ के लोगों को हमारी यह मालूम नहीं पड़ता है कि करोड़पति कौन है और गंगालपति कौन है, गरीब का बच्चा कौन है, करोड़पति का बच्चा कौन है, एक हॉस्टल में रहते हैं और उनके कोई अंतर नहीं होता। इसलिए मारवाड़ के बच्चों में वो दम है और हमने वहां से बात पकड़ी और आज की तारीख में दावे के साथ कह सकता हूँ ये जितने भी हैं आर्थिक रूप से हमारा इनकम ऑफ सोर्सेज बहुत कम है। एक इतिहास में प्रश्न आता था और उसने इतिहासकार ने लिखा है कि एक मुट्ठी पर बाजरे के लिए मैं मेरी पूरी राज गमा देता क्योंकि उन्होंने मारवाड़ को जीतने के लिए हाथ डाले और यहाँ इनकम ऑफ सोर्सेज कुछ नहीं था, ये इतिहास का एक वाक्य है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे यहाँ जितने भी लोग हैं वर्तमान में तो सौर ऊर्जा और नहर आ गई और कई तरह के ऑयल निकलने लगे तो ये बाड़मेर जैसलमेर बहुत संपन्न हो गए, लेकिन फिर भी आपके मुकाबले हम आज की तारीख में भी एजुकेशन में हमारा स्तर देख भाई ये चैलेंज है। आप तो पीछे होने सर, आपके दोनों पर डॉक्टर बन गए आप तो अपना सर मैं आपको ये चैलेंज करता हूँ, आपने कोटा को चैलेंज किया, हम मारवाड़ आपको चैलेंज करेंगे और यहाँ से जितना भी आपका वहाँ सिलेक्शन होगा उसमें हमारा हिस्सा अन्य जितने भी हैं चाहे वो अलवर साइड के हो चाहे जयपुर साइड के हो सबसे ज्यादा मारवाड़ के देने वाले, ये दावे के साथ कह सकता हूँ। और इतने जी गार्जियंस बैठे हैं, इस बार ये एक छोटा सा गांव है हमारा, ये ग्राम पंचायत में छोटा सा गांव है और इस गांव में अगर 2010 से पहला डॉक्टर निकलता है और उसके बाद में आज तक 21 का स्कोर जाता है और इस बार भी अभी वर्तमान में 2012 के बाद में एक भी वर्ष ऐसा नहीं गया कि हमारे प्रॉपर गांव से कोई सिलेक्शन नहीं निकला, वो भी सीएलसी से, वो भी सीएलसी से। और इस बार 4-5 बच्चे गारंटी से हैं, वो 580 प्लस के हैं तो उनका विश्वास है कि वो भी सिलेक्शन होंगे। और दूसरी बात, ये हमारा परिवार है, हमारे दादाजी का तीन, हमारे पिताजी तीन भाई हैं, उनका ये ढाणी है और इस ढाणी में से आज से जब भी अभी आपने बोलते वक्त एक बात कही थी कि वो घमंडी बने शब्द हुए,
जब आदमी आत्मविश्वास से बोलता है तो अदर लोगों को ये लगता है वो घमंडी से बात करे। मैं ये जितने भी बैठे इनके सामने आज से 10 साल पहले मैं ये बोलता था, मैंने कहा मेरे ढाणी से 5 डॉक्टर निकलूंगा और इनमें से आप 10 जनों को पूछ लो, ये शब्द मेरा आज से 10 साल पहले। बिल्कुल। और 4 का स्कोर चला गया, 4 का स्कोर चला गया और एक 580 है वो 5वे में है, उसको मैं 5वे में मानता हूँ, इस बार नहीं तो अगली बार आएगा। 5 डॉक्टर और दूसरी बात 5 आने वाले, तो 10 तो हो गए मेरी ढाणी में। क्या बात है, 10 का स्कोर मेरी ढाणी में। और जितने भी हमारे यहाँ सेलेक्ट डॉक्टर हैं उनको ये भी बोलता हूँ, प्यारे बच्चों आप पीछे डॉक्टर लाना, मेरा स्कोर बढ़ाना है और मेरा स्कोर बढ़ाना है। और मैं इस आत्मविश्वास से उनको भी कहता हूँ और बस एक अगली बात और कहता हूँ, और ये आज जो भी लाइव सुनने हैं जितने भी सुनने हैं उन सबको मैं ये बात गारंटी से कहता हूँ कि अगर बावड़ी हमारी तहसील है, बावड़ी हमारा पंचायत समिति है, भोपालगढ़ हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जिला हमारा जोधपुर है, अगर बावड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी से पहला IAS निकलेगा वो मेरे ढाणी का निकलेगा। क्या बात है। और ये शुरुआत मेरे को करनी है क्योंकि डॉक्टर की लाइन हमारी पूरी हो गई और वो सिस्टम जुड़ गया, ऑटोमेटिक जा रहे हैं, हमारे को उसको मोटिवेशन देने की जरूरत नहीं है, IIT इनको हमारे को देने की जरूरत नहीं है, हमारे को IAS साइड में निकालना है। पहले बंदों को बोल दिया भाई डॉक्टर कभी रिटायरमेंट नहीं होता, इसलिए पहले IAS में मत घुसो, पहले अपन के CSC जाओ, डॉक्टर की डिग्री लाओ, हाथ में है वो, रिटायरमेंट कभी होता नहीं है, उसके बाद अपनी तैयारी करो, क्योंकि डॉक्टर के पास जो सीटिंग पावर होता है वो किसी के पास नहीं होता। सबसे ज्यादा ट्रेनिंग अगर वर्ल्ड में टफ है तो वो MBBS की है, ये बच्चे भी कहते हैं सबसे टफ है। IAS निकालेंगे और उसके बाद RJS भी निकालेंगे और फिर हमारा सिस्टम ऐसा जुड़ेगा कि हम शेखावटी की और हमारी धरती और जो मारवाड़ की है हम उसके आपके समान हो जाएंगे। और आपकी प्रेरणा से मैं तो 2008 से आज तक ऐसा कोई फंक्शन CLC में नहीं रहा जब मैं उपस्थित नहीं रहा। बिल्कुल सही है। सिर्फ इसलिए कि जब मैं बॉस को देखता हूँ तो मेरे को इतनी ऊर्जा मिलती है, ये बंदा जो 22 साल में एक CLC की कल्पना कर सकता है, एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट, कई लोग तो गए हैं, जब मेरा तो चक्कर खा जावे, 8 साल में इतनी बिल्डिंग है, इतना सिस्टम और बड़ा आराम से। अभी ये जो बात कह रहे हैं इनको 2008 की वो कहानी याद है कि मूलाराम किधर बैठा था, किधर बैठा था, आज वो दसियों हजार प्रति ईयर बच्चे आपके सामने कोचिंग में CLC में लेते हैं। और गार्जियन की वो कौन गार्जियन कब आया, इतनी याददाश्त भगवान ने बालाजी की कृपा से आपको दी है, इसलिए सबको मैं एक बार पुनः तालियां, आपका वेलकम, आपने हमारे यहाँ पधारे और हमारे इतने लोगों में एक ऊर्जा का संचार किया, हम तो वहां से ऊर्जा सीकर आकर के ले लेते हैं, लेकिन आपने वो इन सब अभिभावकों के सामने उपस्थित होकर आपका जो प्लान बताया इसके अनुसार सब लोगों में एक ऊर्जा का संचार होता है और यही ऊर्जा एक मंत्र शक्ति होती है जो शब्दों से बोलने में कारगर होती है। आप इनके सामने हो तो ये इनके में जो ऊर्जा का संचार होता है, 51 का रेशियो हमारा जल्दी आने वाला है और उनमें से IAS भी निकलने वाला है, ये गारंटी से CLC का हम पीछा नहीं छोड़ेंगे जब तक 51 हमारे सिलेक्शन नहीं दोगे। ये तो नहीं, आप तो 51 से छोड़ेंगे और मैं आखिरी सांस तक आपका साथ छोड़ूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने यहाँ पधारे, हमारे यहाँ आपने एक प्रोग्राम रखा और वो भी बहुत शॉर्ट टाइम में, रात को 9 बजे 7 बजे आपका फोन आता है, मैं फोन घर पे रख देता हूँ, गांव गया, हताई में मस्त हो गया, वहां वापस आया तो बॉस का फोन मैंने देखा कैसे आया, फिर बात हुई और आपने कहा कल 6:30 बजे आपके घर हम हैं। बिल्कुल, 24 घंटे प्रोग्राम है, क्यों ले 24 घंटे? 24 घंटे आप तो प्रति संडे रखते, नहीं आपके वहाँ प्रोग्राम है, इनको कभी मैं मना कर नहीं सकता क्योंकि आपका और हमारा एक भाईचारेगा, ये बड़े भाई और छोटे भाई का रिश्ता है और वो 13 साल 14 साल कंटिन्यू रहना बहुत बड़ी चीज है। आज तो मैं कोई भी जो लाइव सुनने हैं उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ, मेरा एक सिस्टम है, मैं कोई जात है कोई पात है, गरीब बच्चा जो भी होता है बिल्कुल उनके वहां से संपर्क करता हूँ और उनको ये बोलता हूँ कि पैसे की तो तू चिंता मत कर, हमारे सरुण भाई वहां बैठे हैं, जितना तेरे पास है वो दे देना। इस प्रकार वो लोग है, आज तक का रिजल्ट में आपका सबका ज्यादा सहयोग सरुण जी का है, इन्हीं की कृपा से वो सब सेलेक्ट हुए हैं। एक बार बड़ा साहब BR बड़ा साहब आई थी, अपने गेस्ट थे, आए थे एक सभा में, मेलाना में बड़ा की ढाणी में बैठे थे, अब 5-10 गवर्नमेंट टीचर सामने बैठे थे, उन्होंने एक शब्द कहा था, उन्होंने कहा बच्चे गरीब और क्वालिटी वाले हम नहीं जानते, आप टीचर लोग हो, उनको अच्छी संस्था में पकड़ा दो तभी हमारा भला होगा। ये एग्रीकल्चर में
भविष्य नहीं है। और उसी दिन से उस शब्द को मैंने पकड़ा और आज उसी का परिणाम है कि 21 सिलेक्शन इस इलाके में मिले हैं। 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी लाल किले से एक शब्द बोला था, वो भी मैंने पकड़ा था। उन्होंने कहा लोग इन्वेस्टमेंट पैसों को बढ़ाने के लिए करते हैं, सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट है वो है एजुकेशन, जिसका लंबे टाइम आउटपुट है। और उसी दिन से मैंने वो बात पकड़ी। ये दो बातें आज तक मैं जहन में रखता हूँ और लोगों को सुनाता हूँ और उसी का परिणाम है हमारे इलाके में जो जागृति है, जो चेतना है, वो आप CLC की देन है और आपकी वजह से है। और भविष्य में भी ऐसी आशा रखता हूँ कि आप कंटिन्यू इस तरह से हमारा सहयोग देते रहे। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू जागर साहब, धन्यवाद अर्पित करता हूँ। एक बार पुनः बोस का मैं बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ कि वो आप आए और हमें मोटिवेशन दिया और इस इलाके में जो जोर जगाई है हम कंटिन्यू जगाते रहेंगे इसी आशा और विश्वास के साथ। जय हिंद, जय सियाल। क्या बात है, थैंक यू दोस्तों। वो एक शेर तो मुझे वैसे आता नहीं, एक शेर है कि वो समा क्या बुझेगी जिसकी हिफाजत खुद खुदा करे। तो CLC अब किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, CLC श्रवण का नाम नहीं है, CLC ऐसे हजारों हजारों लोगों नहीं बोलता मैं, ऐसे हजारों हजारों मेरे अपनों की दुआओं का नाम है, उनके शुभकामनाएं हैं। ऐसे पता कितने ढाणियों में, कितने खेतों में, कितने देश की सीमाओं पर बैठे मेरे फौजी भाई, मेरी माताएं बहनें शाम को घर के दीपक में नमाज में इस CLC की प्रार्थना करती हैं। बहुत सी ऐसी मुस्लिम मेरी बहनें कहती हैं कि भाई साहब एक नमाज हम CLC के नाम पढ़ती हैं, एक नमाज हम पढ़ते हैं कि वो CLC बड़ा सही रहे, हमारे बच्चों को पढ़ा रहा है। ऐसी बहुत सी बहनें कहती हैं, कई बार व्रत करते पूजा में कहते हैं कि हमारे भाई श्रवण ने सुरक्षित रखा ताकि वो गाँव के बच्चों को पढ़ा सके, तब जाके CLC करी है। दोस्तों एक व्यक्ति कोई कर सकता ही नहीं। कोटा का एक बड़ा तूफान था कोचिंगों का, उनके सामने एक सामान्य सा मेरा जैसा एक अध्यापक का लड़का, गांव से पढ़ा हुआ, गांव से निकला हुआ, यदि एक इंस्टीट्यूट खड़ा करके आज हम हजारों हजारों घरों के मुंडेर पे दीपक जलते हैं रोशनी के, तो मान के चलो कि वो बहुत सारे लोगों की दुआएं हैं। ईश्वर को कुछ कराना था, ईश्वर को कोई ना कोई काम उससे करवाना था, मुझे निमित्त मात्र बनाया है, हम आप सब लोग इसके हकदार हैं।